नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है डाटा फ्लो। इस वीडियो में हम डाटा फ्लो के बारे पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। दो डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होती है वो सिंप्लेक्स भी हो सकती है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकती है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है। हम इस वीडियो में सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को बिल्कुल सिंपल स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंप्लेक्स। इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। जो सिंप्लेक्स मोड होता है उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिंप्लेक्स में, कि जो सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। एज ऑन ए वन वे स्ट्रीट ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेज ऑन ए लिंक कैन ट्रांसमिट। अब जो एक लिंक है उसमें जो दो डिवाइस हैं उनमें से एक ही डिवाइस ट्रांसमिट कर सकती है, द अदर कैन ओनली रिसीव। अब एक डिवाइस तो ट्रांसमिट कर सकती है और जो दूसरी डिवाइस है वो सिर्फ रिसीव कर सकती है। इसका जो हम एग्जांपल लें सिंप्लेक्स का वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइसेस। हम इसको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल सिंपली दिखा सकते हैं। ये इसका डायग्राम है कि जैसे ये मेन फ्रेम है और ये मॉनिटर है, तो इसमें जो डायरेक्शन है डाटा की वो हम मेन फ्रेम से मॉनिटर की तरफ दिखा रहे हैं। फिर है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स को हम बिल्कुल सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स कई बार जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। कि जो हाफ डुप्लेक्स मोड है उसमें प्रत्येक स्टेशन, ईच स्टेशन ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, परंतु एक समय पर नहीं। यानी हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है इसमें प्रत्येक स्टेशन ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक समय पर नहीं कर सकता। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। जो हाफ डुप्लेक्स मोड है इसमें जब एक डिवाइस सेंड कर रही होती है तो दूसरी रिसीव करेगी, और इसका उल्टा, यानी जब एक डिवाइस सेंड कर रही होती है तो दूसरी डिवाइस सिर्फ रिसीव करेगी, और जब दूसरी डिवाइस सेंड कर रही होती है तो पहली डिवाइस रिसीव करेगी। इस तरह से हम हाफ डुप्लेक्स को बिल्कुल सिंपली दिखा सकते हैं। यह डायग्राम है हाफ डुप्लेक्स का। द हाफ डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ वन लेन रोड विद ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स जो मोड होता है वो एक तरह से वन लेन रोड की तरह होता है जिसमें ट्रैफिक दोनों डायरेक्शन में अलाउड होती है। द हाफ डुप्लेक्स मोड इज यूज इन केसेज वेयर देयर इज नो नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है वो कहाँ पे यूज होता है, वो उन केसेज में यूज होता है जहाँ पे दोनों डायरेक्शंस की कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती एक समय पर। यानी जो हाफ डुप्लेक्स मोड है वो वहाँ पे यूज होता है जहाँ एक समय पर दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन की नीड नहीं होती। ये है हाफ डुप्लेक्स का डायग्राम। स्टेशन और ये भी स्टेशन, ये लिखा हुआ है इस स्टेशन से इस स्टेशन की तरफ कि डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम वन और डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम टू। आप थ्योरी से बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि इस डायग्राम में क्या कहना चाह रहे हैं। फिर है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स को भी हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन करेंगे। इन फुल डुप्लेक्स मोड ऑल्सो कॉल्ड डुप्लेक्स, इसको हम डुप्लेक्स भी बोलते हैं, बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। कि जो इसमें दोनों स्टेशन होते हैं वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक साथ, यानी साइमल्टेनियसली। द फुल डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ टू वे स्ट्रीट। अब जो फुल डुप्लेक्स मोड है वो एक तरह से टू वे स्ट्रीट की तरह होता है विद ट्रैफिक फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, जिसमें अब जो टू वे स्ट्रीट है उसमें जो ट्रैफिक है वो फ्लो कर सकती है एक ही समय में दोनों डायरेक्शंस में। इन फुल डुप्लेक्स मोड सिग्नल्स गोइंग इन वन डायरेक्शन शेयर द कैपेसिटी ऑफ द लिंक विद सिग्नल गोइंग इन अदर डायरेक्शन। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द टेलीफोन नेटवर्क। इसका डायग्राम हम इस तरह से दिखा सकते हैं। स्टेशन स्टेशन, इसमें जो डायरेक्शन होगी डाटा की वो दोनों तरफ होगी। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपली हम फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा सिंप्लेक्स क्या होता है, फिर पढ़ा हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, इसका एग्जाम्पल स्टडी किया कि हाफ डुप्लेक्स को हम बिल्कुल सिंपली किस तरह से बता सकते हैं, फिर हमने फुल डुप्लेक्स के बारे कंप्लीट पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।